मथुरा में गंगा दशहरा पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर्व पर मथुरा में पतंग उड़ाई जाती है। बड़े युवा बच्चे सभी छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। पतंग उत्सव को देखते हुए शहर के विभिन्न जगहों पर पतंगों की दुकान सजने लगी है और तरह तरह की पतंगों का लोग बड़े उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। जीडाई न्यूज की टीम ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस त्योहार में महंगाई भारी पड़ रही है। 2 दिन शेष हैं, दुकानदारी मंदी की मार झेल रही है। आइए जानते हैं दुकानदारों ने क्या कहा। गंगा दशहरा पर्व आते ही जो मथुरा में पतंगों की दुकान है वे सजने लगी हैं और रंग बिरंगी पतंगों अब बिकने लगी हैं, क्योंकि गंगा दशहरा बड़ा ही नज़दीक है। कल और परसों 2 दिन मथुरा में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। मथुरा में ऐसी परंपरा है कि आज के दिन जो गंगा दशहरा पर्व होता है उस दिन पतंग उड़ाने का एक महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इस बार पतंग उत्सव में किस तरह की बिक्री हो रही है, लोगों का रुझान कैसा है, लोग कितने उत्साहित होकर पतंग की दुकान पर आ रहे हैं और पतंग खरीद रहे हैं। आइए जानते हैं दुकानदार से ही। क्या नाम है भैया? मोहम्मद शान। कब से दुकान कर रहे हैं पतंग की? काफ़ी टाइम से है, कई सालों से कर रहे हैं। तो इस बार जो दशहरा पर्व आ रहा है कैसे देख रहे हैं इसे? कैसा देख रहे हैं? हर बार में एकदम डाउनिंग है, बहुत ही ज़्यादा मंदा है। इस समय कोरोना था और अब में फर्क है कुछ? बहुत ज़्यादा फर्क है, बेसाब फर्क है। किस तरह के आ रहे हैं बच्चे ले रहे हैं? अब आप ही देख लो ना, ये तो इधर की तरह कैम को इधर उधर करके देख लो आप, बाजार का माहौल आप ही देख लो कैसा है कैसा नहीं है। पहले के टाइम में कितना वो होता था, कितनी पतंग उड़ती थी, अब इस टाइम में देखो कहाँ है, गिराकी कहाँ है। 2 दिन बचे हैं, क्या लगता है आपको? मेरा तो कुछ भी नहीं लगता है, साथ साथ ऐसा लगता है कि अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। बाजार हल्का है, बहुत ही ज्यादा हल्का। किस तरह की आप पतंग बेचते हैं, थोड़ा उनके नाम बता सकते हैं? हाँ, ये है ना, 2 वाली है, 3 वाली है, 5 वाली है, जैसी भी है, जो ग्राहक को चाहिए होती है वो ही है। बच्चे खासकर इसमें उत्साह लेते हैं, तो बच्चों का आप कैसे देखते हैं, कौन सी ज्यादातर लेते हैं? ज्यादा तो बच्चे तो 1-2 रुपए वाली मांगते हैं। आज के टाइम में महंगाई इतनी है पतंग के, हम खुद इतना महंगा मिल रहा है हमें, क्या नाम, हम बच्चों के लिए कहाँ से बनाए 2 वाली 3 वाली। उदासी दिख रही है, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर है या और कुछ है? ये महंगाई को लेकर के ही है, महंगाई इतनी है। पहले के नाम में वो टाइम पे 2-3 साल पहले ही है ना, ये जब से कोरोना लगा उसके बाद में तो और ज़्यादा महंगाई हो गई है। देख रहे हैं आप कि महंगाई की मार पतंग की इन दुकानों पर भी पड़ रही है। चाचा भी बैठे हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं और बहुत सालों से पतंग की दुकान कर रहे हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं इस साल का क्या हाल है। क्या नाम क्या है? मेरा नाम है आफाक भाई, पतंग वाले। कितने साल से पतंग बना रहे हैं? 50 वर्ष हो गए जी मुझको। बाकी मैंने मेरे जीवन में 50 साल के इस काम में इतना मंदा कभी जीवन में नहीं देखा। जो पोजीशन है ना, हम 2 वाली 5 वाली 7 वाली 10 वाली 15 वाली हर तरह की पतंग बेचते हैं। कुछ नाम भी होते हैं उनके? तुक्का भी मैंने हाँ होता है। बता दें हमें। जी देखिए, तुक्कल भी मैं बताता हूँ आपको, जो इस तरह की पतंग है, जैसे ये तुक्कल है, बराबर 1 रुपये की होगी, ये 7 रुपये बिक्री है इसकी, 7 रुपये बिक रही है। एक इससे बड़ी आइटम है वो भी बताओ। ये देखिए अपना प्रोडक्ट है, अपना कर रहा है। ये क्या सी पतंग कहते हैं इसे, कौन सी? इसको अद्धी पतंग बोली जाती है जी। तो अच्छी कौन सी होती है? सभी अच्छी होती हैं, बच्चे कौन सी लेते हैं? नहीं, बच्चे तो फिर ये क्वालिटी पे आधार होता है, बच्चों की जो चॉइस है वो 5 से 7 तक के बीच में, 2-5 से सबसे ज़्यादा। देखते हैं कि बच्चे थैली की पतंग को ज़्यादा, पन्नी की पतंग होती है उनको पसंद करते हैं, छोटे बालक ये पोलोथिन को पसंद करते हैं, प्रिंटिंग पतंग को। उसके क्या रेट है जरा बता दें? इसका रेट है साहब 400 रुपये, 100 नंग का, 4 रुपये, 4 रुपये जी। अगर फुटकर में लेते तो महंगी होगी, फुटकर में 5 रुपये। और मंजे की आप वैरायटी कौन कौन सी? मंजे में बहुत अनेक वैरायटी है, तमाम बताइए। ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से आप बाहर से मंगाते हैं? पतंग हम अपनी खुद बनाते हैं और थोड़ी बरेली की भी मंगाते हैं बाहर से, ये गुजरात से भी आती है ये आइटम, इस तरह अलग अलग होता है। बाकी जो पोषण धंधे की आज मैं देख रहा हूँ, मैंने 50 साल के भविष्य में नहीं देखी। वो दिन रह गए हैं, कल भी दशहरा मनाया जा रहा है और परसों भी, ये कह रहे हैं परसों भी मनाया, तो अब भीड़ वाली हल्की मुझे भी दिख रही है, क्या महंगाई को मान रहे हैं? मैं तो यही मानूंगा कि महंगाई है, क्योंकि आदमी को पैसा बोलते हैं कि भाई ये इतने पैसा की चलती है ये, और ग्राहक उछाट ही खाता है। अब रिजनेबल से रिजनेबल यानी कम से कम पैसा बोल रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ग्राहक 4 दुकान ढूंढता है फिर आता है वापस, क्योंकि हमारे यहाँ दाम उचित होते हैं,
वो हिसाब से फिर आता है ग्राहक रिटर्न होकर। देख रहे हैं आपकी जो महंगाई की मार है वो पतंगबाजों की इन दुकानों पर भी पड़ रही है, लोग कम आ रहे हैं क्योंकि अब दो दिन शेष रह गए हैं, कल भी दशहरा मनाया जाएगा और परसों भी मनाया जाएगा, तो इसको देखते हुए जो पतंगबाज हैं वह भी उदासी के माहौल में हैं, वह भी कह रहे हैं कि कहीं उनकी जेब से पैसे ना लग जाएं। तो इस बार की जो गंगा दशहरा पर्व है जो मथुरा में पतंगबाजी के नाम पर भी जाना जाता है, देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह से पतंगबाजी होती है, मकर संक्रांति पर गुजरात में होती है और देश के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग समय पर होती है, लेकिन मथुरा में गंगा दशहरा पर्व पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि दुकानदार कह रहे हैं कि मंदी का दौर है, दुकान में पतंगें नहीं बिक रही हैं, देखते हैं आने वाले समय में इनकी दुकान कैसे चलती है क्योंकि दो दिन शेष रह गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपने सहयोगी विवेक के साथ में श्याम मनु चतुर्वेदी, G9 न्यूज़ के लिए।